नवरात्रि से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा MH1 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मल्लिका शर्मा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे वास्तु पर। जी हाँ, वास्तु से जुड़कर किस प्रकार व्यक्ति अपनी समस्त जीवन की समस्याओं का समाधान बड़ी ही सरलता से कर सकता है और ये तमाम जानकारियाँ हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि जैन जी से। तो चलिए शुभारम्भ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे रश्मि जी से। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि वास्तु होता क्या है और व्यक्ति क्यों जुड़े वास्तु से। देखिए, वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो ईश्वर द्वारा समस्त सृष्टियाँ वास्तु हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का आधार चारों वेद हैं और ऋग्वेद के अनुसार रहने योग्य भूमि, कार्य करने योग्य भूमि, व्यापार करने योग्य भूमि वास्तु है। इस तरह वस्ति अस्मिन् इति वास्तु, यानी ग्रह, भवन, दुर्ग, प्रसाद, हाट, ग्राम, नगर आदि सभी वास्तु के प्रतिपाद्य विषय हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निवास योग्य भूमि पर भवन निर्माण संबंधी नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस शास्त्र में किया गया है उसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। वैदिक चिंतन धारा में ये विषय अत्यंत विशाल है। जैसे ही प्रकृति प्रदत्त वस्तु को हम जीवन उपयोगी, मानव उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं, वो वास्तुशास्त्र का विषय बन जाती है। कौन किस वस्तु को हम किस हद तक मानव जीवन के सुधार के लिए, मानव जीवन के उपयोग के लिए ला सकते हैं, वह वास्तुशास्त्र का विषय है। वास्तु कार्य के प्रसार करता है, ये भी आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को बता दें यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडेंट नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप कोई क्वारीज करना चाहते हैं, नीचे लगातार हमारी ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर संपर्क करके भी विस्तारपूर्वक जानकारी अवश्य ले लें। आप सबसे पहले हमें बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो वास्तु होता है ये कार्य किस प्रकार करता है। देखिए, वास्तु का आधार पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। और तीन प्रमुख शक्तियां हैं जो जीवन के संबंध में काम करती हैं, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्व शक्ति और सौर ऊर्जा। पंच तत्वों का और इन प्राकृतिक शक्तियों का भवन के अंदर जितना ज़्यादा समन्वय होगा, जितना ज़्यादा अनुपातिक बैलेंस होगा, उतना ही ये मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और कम परिश्रम से अधिकतम प्राप्ति के संबंध में योगदान देती हैं। इस तरह से हम अपने भवन को पंच तत्वों से संतुलित करके, पांचों तीनों शक्तियों का सदुपयोग करके अपने जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न और आत्मिक रूप से भी संपन्न बना सकते हैं। मैम, जैसे कई एक्सपर्ट्स के पास हम जाते हैं तो वो तोड़फोड़ के विषय में कहते हैं, भवन बना हुआ था वो कहते हैं कि यहाँ पर आप तोड़ दीजिए, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं यंत्र ही कार्य कर पाएंगे। ये जो चीज़ें हैं कई बार समझना बहुत मुश्किल होता है, आप हम चाहेंगे थोड़ा सा सरल कीजिए। तोड़फोड़ जरूरी नहीं है। जब एक बार निर्माण हो गया तो वास्तु तीन प्रकार का होता है, स्थिर वास्तु, स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु। जी, स्थिर वास्तु का हमें भवन निर्माण जब हम करते हैं, यानी जब हमारी योजना बनती है, उस समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर उस समय हम नहीं ध्यान पर कर पाते तो हमें नित्य वास्तु का ध्यान करना चाहिए जो ऋतुओं के हिसाब से होता है। हर चार महीने जो वास्तु पुरुष की स्थिति एक विशेष दिशा में होती है, अगर उन नियमों का पालन कर लिया जाए तो बहुत सारे वास्तु दोषों से बचा जा सकता है। उसके बाद भी नित्य वास्तु होता है, यानी हर घंटे के हिसाब से वास्तु पुरुष की स्थिति होती है, अगर दिनचर्या में उसे शामिल किया जाए तब भी बहुत सारे वास्तु दोषों से बचा सकता है। जी, ये वास्तु कार्य किस प्रकार करता है जी? क्योंकि हमने कह दिया दिशाएं चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। किस प्रकार, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि ये सारी दिशाएं परमात्मा की देन है, तो फिर ये परिवर्तन, फिर और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि फिर ये व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं पहुँचाती? ईशान दिशा है, दिशाएं आठ होती हैं, चार मुख्य दिशाएं होती हैं, चार कोणीय दिशाएं होती हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, साउथ में अपना चरम पर होता है और पश्चिम से डूब जाता है।
सूर्य की जो इन्फ्रारेड किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा हमें ईशान कोण से प्राप्त होती हैं, इसीलिए ईशान कोण को यथासंभव हल्का रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे खिड़की और द्वारों की संख्या बढ़ाए रखनी चाहिए ताकि आप सुबह की जो निकलते सूरज की रश्मियाँ हैं उनका लाभ उठा सकें। पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा है, सोशल कनेक्शंस की दिशा है, प्राप्तियों की दिशा है, इसलिए पूर्व दिशा को भी यथासंभव खिड़की द्वार आदि स्थापित करके उस दिशा से भी मैक्सिमम ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आग्नेय दिशा है, ये अग्नि की दिशा है, यहाँ हमारा भोजन पकता है। शुक्र की दिशा है यानी ग्रह स्वामिनी की दिशा है, पोषक अग्नि की दिशा है, तो इस में भी अपना रसोई घर बनाकर खाने की क्रियाकलापों को जारी रखकर भी हम एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर का टाइम ये दक्षिण दिशा यानी सूर्य अपने पूरे चरम पर होता है, यानी गतिशीलता की दिशा है जी, पावर की दिशा है, ऊर्जा की दिशा है, तो इस टाइम हमें एक्टिविटी में व्यस्त रहना चाहिए। अपने जो दिनचर्या के जो काम है उन्हें पूरे लगन और मेहनत से करना चाहिए, अवश्य आपको प्राप्तियाँ होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि प्राप्तियाँ ना हों अगर आप दोपहर के टाइम सोने में व्यस्त ना करें, उस टाइम ज़्यादा मेहनत करें। इसी तरह से नैऋत्य दिशा है, विश्राम की दिशा है जी। पश्चिम में प्राप्तियों की दिशा है, आपने सारा दिन थक कर काम करके आप घर में आए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिश्रम का फल मिले, इसके लिए हमारी जो पश्चिम दिशा है वो बहुत लाभकारी है। और उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, वायव्य दिशा सपोर्ट की दिशा है, हमें वायु प्रदान करती है, स्वच्छ वायु का संचार करती है। तो इस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या को संतुलित करके नित्य वास्तु से हम अपने अंदर ऊर्जा का संचार को कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते जी, हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके अपने अंदर की अशुभता को, विचारों की अशुभता को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब और अधिक जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर लेना चाहेंगे, बड़ी देर से वेट कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, पूछे क्या प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब से। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई बिजनेस या जॉब करते हैं तो हम सक्सेस नहीं हो पाते, कई बार बिजनेस है या जॉब है हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उसमें भी वास्तु का कुछ अहम रोल होता है क्या? जी देखिए, वास्तु का रोल निश्चित रूप से होता है। अगर घर आपका शुभ ऊर्जा से ओतप्रोत है, आपने ईशान हल्का रखा है, पूर्व दिशा सूर्य की आपके पास में पूरी ऊर्जा है, तो आप स्वतः ऊर्जा से स्फूर्त रहते हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो पूरी तरह से भरपूर होती है और आपके जो डिसीजंस होते हैं वो सही होते हैं, तो उस वो डिसीजन आपके सही दिशा में काम करें, आप सही निर्णय ले सकें, इसके लिए वास्तु बहुत ज़रूरी है और आपको नित्य वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप सुबह उठें, जल्दी उठें, सूर्य की रश्मियों का स्नान करें, देव दर्शन जरूर करें, स्वस्थ भोजन लें, तो आपके व्यापारिक निर्णय भी सही होंगे। डॉक्टर साहब कहने का अर्थ ये है कि आपको वास्तु के साथ साथ अपने आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है जी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियाँ खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं जी हाँ, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि जैन जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। डॉक्टर साहब, वास्तु पर बहुत खूबसूरत बातें आप हमें बता रही हैं, अब आप हमें बताएं कि यंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं? वास्तु में यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों ही सहायक होते हैं। मंत्र का एक अपना उपयोग है, वो स्वर शास्त्र से संबंधित है। तंत्र का एक अपना उपयोग है, वो अंदर से बाहर की यात्रा है। और यंत्र,
हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तो कोई भी जो हमारी डिज़ायर होती है, जो हमारी अंदर की इच्छा होती है, वो इस यंत्र से, यंत्र के माध्यम से, यंत्र से जुड़ने के बाद जो ऊर्जाएँ प्रकट होती हैं हमारे अंतर मन से जुड़ के, वो आपको सिद्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। इस तरह से हम यंत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हम इसे अपने मन से अपनाकर अपने घर में विधिपूर्वक स्थापित करते हैं तो ये हमारी प्राप्तियों में सहायक होते हैं। जी, जब हम दिशाओं के विषय में जानते हैं डॉक्टर साहब, जैसे उत्तर दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, पूर्व हो गई, पश्चिम हुई, तो कौन सी दिशा ऐसी है जिसमें हम यदि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें शुभ फल ही मिलेगा व्यक्ति को? देखिए, ईशान, पूर्व और उत्तर, ये दिशाएं निर्विवाद रूप से ऐसी हैं। अगर इन दिशाओं को के सम्मुख, इन दिशाओं में हम काम करते हैं तो हमें उसकी प्राप्तियाँ होती हैं। लेकिन दिशा सभी अच्छी हैं, हर दिशा का एक अपना सिग्निफिकेंस है। पूर्व दिशा आपको समाज से जोड़ती है, दक्षिण दिशा आपको अपने सिद्धि से जोड़ती है, अपने कार्य से जोड़ती है, नैऋत्य दिशा आपको विश्राम प्रदान करती है। जब आप सारे दिन मेहनत कर लेते हैं तो शाम को जो प्राप्ति होती है वो पश्चिम दिशा से ही हमें प्राप्त होती है। उत्तर दिशा हमें अवसर प्रदान करती है, हम जब सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, जब सुबह उठते हैं तो हमें धन कमाने के, व्यापार करने के जो नए नए आइडियाज़ आते हैं वो उत्तर और पूर्व से ही आते हैं। तो इसलिए सभी दिशाओं का अपना महत्व है, सभी दिशाएं मिलकर ही एक घर को संपूर्ण वास्तु प्रदान करती हैं, या एक संपूर्ण ऑरा प्रदान करती हैं जिसके अंदर रहकर आदमी सफलता और सिद्धियां प्राप्त करता है। जी, अब आपने हमें बताया शुभ दिशाओं के विषय में, अब वो दिशाएं बताइए जो खराब रहती हैं, अशुभ रहती हैं हर व्यक्ति को। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जी, कोई ऐसी दिशा नहीं है जो व्यक्ति के लिए अशुभ है। ये बात दूसरी है कि हर दिशा का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है, वो मानव जीवन के लिए अपनी अपनी तरह से काम करती है। ऐसी कोई दिशा नहीं जिसे हम कह सकें कि अशुभ है, इसको छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रेमेडीज़ के लिए आते हैं, जिनके भवन बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ टूटना चाहिए, या फिर तोड़ फोड़ से ही कार्य संभव हो पाएगा, यंत्र कार्य नहीं कर पाएगा, उस स्थिति में आप क्या करते? देखिए, जहाँ तक उपाय का संबंध है, उपाय की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उपाय आफ्टर ऑल उपाय हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ईशान कोण में आप टॉयलेट मत बनाइए, टॉयलेट है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उपाय आपको मानसिक संतुष्टि देते हैं, उसका अपना एक उपयोग है। हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, अगर अग्नि स्थान में जल तत्व है तो निश्चित रूप से वो हानि पहुंचाएगा, लेकिन वहाँ पर पृथ्वी तत्व को बढ़ाकर उसे बैलेंस किया जा सकता है। तो उपाय इतना ही काम करते हैं कि वो चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन किसी भी प्रभाव को जड़ से ख़त्म कर देते हैं ये नहीं हो पाता। उस स्थिति में हमें स्थिर वास्तु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपका भी वास्तु से जुड़ा कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप पर्सनली डिटेल्स लेना चाहते हैं, नीचे लगातार स्क्रॉल पर हमारी ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रही है, आप उन नंबरों पर या फिर उस आईडी पर भी संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक हमारे साथ कॉलर जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी, मैम, मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी नए मकान को बनाते हैं जी, तो वास्तु के अनुसार किस किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, जब भी आप भवन निर्माण करें या भवन निर्माण की योजना बनाएं, तो भूमि का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करें। भूमि का चयन करते समय आसपास के वातावरण का भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह आपको सारी जिंदगी प्रभावित करता है। भूमि का निवारण तो संभव है, दोषों का निवारण संभव है, लेकिन वातावरण का निवारण संभव नहीं होता है। इसलिए आसपास के वातावरण का ध्यान करते हुए, लोकेशन का ध्यान करते हुए, शुद्ध भूमि और ठोस भूमि का चयन करें, ताकि उस पर एक स्थायी मकान का निर्माण हो सके। और कोशिश कीजिए उसमें स्थिर वास्तु को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल की सलाह लेके उस वास्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकान के अंदर लागू करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत और नई बात आपने हमें बताई। एक विशेष बात आप हमें और बताएं, वातावरण और रंग कितना इम्पोर्टेंट या फिर बहुत खास ध्यान रखा जाए यदि कोई व्यक्ति वास्तु रेमेडी के लिए जाता है तो? बिल्कुल, रंगों का, जिस तरह से वातावरण का प्रभाव पड़ता है उस तरह से रंगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
कहीं ना कहीं रंग हमारे पंच तत्वों को सिंबलाइज करते हैं हमारे जीवन में। तो जिस भी दिशा में, जैसे उत्तर दिशा है जल की दिशा है तो वहाँ हल्के रंगों का प्रयोग, ईशान दिशा है हल्की दिशा है हल्के रंगों का प्रयोग, हल्के पीले रंग का प्रयोग, हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। पूर्व दिशा है सूर्य की दिशा है, यहाँ पे आप ऑरेंज हल्के नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आग्नेय दिशा है अग्नि की दिशा है, कहीं ना कहीं शुभ ऊर्जा की दिशा है, यहाँ पर भी आप हल्के लाल रंग का प्रयोग, गुलाबी रंग का प्रयोग, नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। मंगल की दिशा है दक्षिण दिशा है, ऊर्जा की दिशा है तो यहाँ पे भी आप अर्धी कलर्स का प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से ज़्यादा काम करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। ऐसी नैऋत्य कोण है, विश्राम की दिशा है, यहाँ पे भी आप हल्के पीले रंग का प्रयोग करें जो कि एक पृथ्वी तत्व का प्रतीक है हमारे जीवन में। वेस्ट की दिशा है जल की दिशा है, वरुण की दिशा है, इसके अलावा ये शनि की दिशा है, यहाँ पर भी सफ़ेद रंग का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है, लाभ देगा, लाभ देगा जी। डॉक्टर साहब संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आप? मैं ये कहूँगी किसी भी बहुत ज़्यादा उपाय, बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़कर मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, अपने को मजबूत रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चर वास्तु का, नित्य वास्तु का जीवन में उपयोग कीजिए। स्थिर वास्तु जहाँ तक आप जीवन में ला सकते हैं, जितना भवन निर्माण के समय जितना उसको आप लागू कर सकते हैं उतना लागू कीजिए। अदरवाइज आप चर वास्तु और नित्य वास्तु का प्रयोग करके भी बहुत सारे दोषों, नहीं 90% दोषों से बच सकते हैं, और ये आपको एक नई सोचने की नई दिशा प्रदान करता है जो आपके कार्य के जीवन में, पर्सनल जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी उन्नति निश्चित रूप से प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर साहब वास्तु से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत जानकारी है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें और हमारे तमाम दर्शकों को दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन यदि आपका भी कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट अवश्य कर लें। आज हमें दें इजाज़त। नमस्कार।